तो डियर स्टूडेंट, आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आज किस वीडियो में जो क्वेश्चन है आप सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पिछले सालों में रिपीट हो चुके हैं, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं आज की इस वीडियो का। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भैया भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएं बताइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखेंगे इसको। भारतीय महिलाओं की बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनमें से कुछ आप लोगों के समस्त निम्नवत हैं। पहला तो ये है कि लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी घर में लड़की है और लड़का दोनों हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि लड़कियों को लोग कम पढ़ाते हैं और लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। लड़कों की जो डिमांड है वो ज़्यादा पूरी करते हैं, लड़कों को भेज देते हैं कहीं जाइए घूम आइए जाके, कहीं भी जाने के लिए उनको अलाउ कर दिया जाता घर से। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको हर जगह अलाउ नहीं कर किया जाता है, ठीक है, कि आप हर जगह जा सकें। तो ये होगा लिंग भेदभाव। और भी बहुत सारे इसके अंतर्गत लिंग भेदभाव के अंदर, ठीक है, भेदभाव हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है पारिवारिक समस्याएँ। पारिवारिक समस्याएँ बाल विवाह, यानी कि कम ही उम्र में 16-17 या फिर 14-15 यानी कम ही उम्र में शादी कर देना, ये बहुत ही प्रमुख समस्या है। और ये अभी बहुत सारे जो ग्रामीण एरिया हैं, ठीक है, और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, दलित वर्ग हैं, उन सब में ये जो अभी भी एक तरीके से ये क्या है, एक रीति रिवाज है, सिस्टम है, जिसमें भी बाल विवाह होते हैं। दहेज प्रथा जो कि आज की कॉमन समस्या है, आए दिन आप लोग देखते हैं कि हर सीजन शादियां होती हैं। मान लीजिए कि हर सीजन में 10,000 शादियां होती, तो उसमें करीब करीब 1,000-1,500 शादियां दहेज की वजह से टूटती भी हैं और दहेज की वजह से समस्याएं भी उसमें आती हैं, ठीक है, शादियों में। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज की, ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं की। और दूसरी है वैवाहिक समस्याएँ, और शादी में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। हो सकता है कि वो फैमिली गरीब हो सकता है वो घर की जो लड़की वो पढ़ी लिखी ना हो सकता है कि उनकी जो डिमांड है वो ना पूरी हो सके। तो वैवाहिक बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पर्दा प्रथा, मतलब कि जो घूंघट करते हैं, आप लोग देखते हैं कि जब शादी होती है किसी भी लड़की की, तो जब अपने घर से निकलती तो वहाँ से ससुराल की ओर उसको जब जब भी आना जाना पड़ेगा या फिर अपने ससुराल में रहना पड़ता है तो उसको घूंघट, मतलब कि पर्दा करना पड़ता है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगला कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं कहीं ना कहीं, ये किसी न किसी पारिवारिक वजह से। फिर उनको कोई छोटी मोटी बीमारी हुई है तो उसका इलाज ना कराना, ठीक है, कि अरे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, क्यों बस पैसा खर्चा करते हैं, लड़की ही तो है। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएँ आती। शैक्षणिक समस्याएँ, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि महिलाओं का शिक्षा के प्रति बहुत, मतलब कि शिक्षा के लिए इंटरेस्ट लोग, मतलब कि परिवार वाले उनको देते नहीं कि पढ़ाई भी करके कुछ किया जा सकता है और पढ़ाई भी करके कुछ हासिल किया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा समस्या है, शैक्षणिक समस्या है। या फिर महिलाओं को, लड़कियों को आप लोग देखते हैं कि पढ़ने भेजते नहीं। बहुत बहुत सारे ग्रामीण एरिया में ऐसे इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते ही नहीं। बहुत सारे क्षेत्र में भेजते तो हैं लेकिन बस बोलते हैं कि 10वीं कर लो 12वीं कर दो, बस आप इतना पढ़ लो कि आपकी किसी तरह शादी हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लो बस। और ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और बाहर जाके आप पढ़ नहीं सकते, विदेश में या फिर किसी दूसरे शहर में, ये बहुत बड़ी समस्या। आर्थिक समस्या, मतलब फाइनेंशियल रूप से आप लोग देखते होंगे किसी भी आदमी के पास आप देखेंगे अच्छा खासा 2-4, 10-20 हज़ार पड़ा रहता है, लेकिन महिलाओं के पास नहीं रहता है, क्योंकि उनको रोज़गार के लिए ऑफर नहीं दिया जाता, ऑपरेशन को पैसे भी नहीं दिया, ऑफर ही नहीं दिया जाता तो कहाँ से इनकम करेंगी, ठीक है। और इस तरह की समस्याएं, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या का मतलब ये है कि जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, समाज में उनको कुछ अलग नज़रिए से देखा जाता है। अगर कोई एक अच्छी काफ़ी लड़की जा रही है, ठीक है, तो उसको लोग गंदी नज़र से देखते हैं, ठीक है, समाज। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएँ हैं और इनके अंतर्गत आप जितना भी लिख देंगे उतना आप बना बना के लिख सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और इस बार भी आएगा 100% क्वेश्चन, 100%।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व तो क्या है, तो जनसंख्या घनत्व से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर। एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं, मतलब कि कोई एरिया है, ठीक है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में हम कोई बता दे रहे हैं एग्जाम्पल आपको, पाँच सौ मीटर का मान लीजिए कोई घर है, 500 मीटर नहीं, मान लीजिए कि 10,000 या फिर 20,000 स्क्वायर फीट की कोई ज़मीन पड़ी है, ठीक है, 20,000 स्क्वायर के फीट की ज़मीन है, उसी में बहुत सारे घर हैं, वहीं इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो एक कोई एरिया होती, वो निश्चित कर दी जाती कि हाँ इस निश्चित एरिया में जो रहते हैं लोग, उस चीज़ को हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे, ठीक है। इतनी बड़ी एरिया है, ये निश्चित है कि हाँ ये 20,000 स्क्वायर फीट है, इसमें बहुत सारे मकान है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक निश्चित हो गया, तो इसको हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कि जनसंख्या घनत्व सदैव एक निश्चित भूभाग और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात होता है, इसे सामान्यता प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अनुसार दर्शाते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या वहाँ निवास करती है उसको वहाँ के क्षेत्रफल से भाग देने पर यह अनुपात निकल आता है। जनसंख्या घनत्व किसी स्थान के जनसंख्या दबाव को दर्शाता है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस बार भी उम्मीद है कि आएगा, पक्का तय है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा भी क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या विस्फोट के बारे में आप देख सकते हैं कि वर्ष 1951 से 2001 के 50 वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या 66.6 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि अनुभव की गई, साथ ही भारत की जनसंख्या आकार में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या में 1991 फिर 2001 के दशक में 21.34% की वृद्धि हुई। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर से भारत प्रतिवर्ष लगभग 2.10 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। भारत में हो रही जनसंख्या की इस तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन या फिर साल दो साल में जो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। साल दो साल का मतलब ये होगा, किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए हर दिन तो कैलकुलेशन किया नहीं जा सकता, 5 साल में, 10 साल में, 4 साल में, 15 साल में, इसी तरह कैलकुलेशन किया जाता है। तो वो जो प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, उस चीज़ को हम जनसंख्या विस्फोटक के नाम से जानते हैं। और आप सभी को जानकारी नहीं होगी, आप यहाँ पर देख लीजिए, जानकारी तो होगी कि अभी बता रहे हैं क्या जानकारी होनी चाहिए आपको, वो क्या है कि नहीं है। 50 वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 66.6 करोड़, ठीक है। और आपको बता दें कि इस समय जो करंट में हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 1.40 करोड़ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि करीब करीब 2001 में जो जनसंख्या थी, ठीक है, वो कितनी थी, 66.6 करोड़, यानी कि 1951 से लेकर 2001 के बीच की जनसंख्या, ठीक है, 66 करोड़ के ऑलमोस्ट लगाई गई है। उसके बाद तब से लेकर अभी तक जो जनसंख्या हो गई वो 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई। आप लोग खुद ही जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, 140 करोड़ की जनसंख्या भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव बताइए, अगर आपको जनसंख्या रोकना है तो इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या सुझाव देने चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का जब प्रचार प्रसार रहेगा तो लोग समझेंगे, जानेंगे, तो वो क्या करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण अपनाएंगे या फिर जनसंख्या नहीं वृद्धि करेंगे, ठीक है, यानी कि वो हम दो हमारे दो वाला पैटर्न अपनाएंगे, ठीक है। इस तरह आप लोग देखते नहीं कि अगर शिक्षा की नॉलेज नहीं है तो उसको कुछ पता नहीं है कि भैया हम चाहे जितने बच्चे पैदा कर दें, ठीक है, तो उसको शिक्षा पे अभाव रहेगा तो उसको जानकारी नहीं रहेगी। अगर शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो समझेगा कि हमारे पास मान लीजिए एक ही घर है, वो भी मान लीजिए कि 1,000 स्क्वायर फीट में, और हमारे पास एक ही बीघे ज़मीन है, अगर हम बच्चे हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बाद में उनकी हिस्सेदारी अगर बटेगी, वो अलग होंगे, तो उनको कितना कितना आएगा। तो इस तरह शिक्षा का अगर प्रसार रहेगा तो लोग लिमिट भर जनरेशन या फिर जनसंख्या वृद्धि करेंगे, ठीक है, लिमिट भर करेंगे।
यानी कि हम दो और हमारे दो वाला पैटर्न, और दूसरा विवाह की आयु में वृद्धि, मतलब कि जो विवाह में पहले 16 ठीक 18 ये कर दी गई है, और इस मतलब कि ये लोग इस उम्र में कर देते हैं 16 से 17 में, ठीक है ये 15 में, लेकिन जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के हिसाब से 18 वर्ष की कम से कम कोई लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए, तब उसकी शादी कानूनी रूप से मान्य है, ठीक है। 18 से पहले आप संविधान के खिलाफ हैं अगर आप शादी कर रहे हैं तो, और लड़की और लड़का 21 से पहले अगर शादी कर रहा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के खिलाफ है। तो कम से कम 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए, तभी ये कानूनी रूप से मान्य है, ठीक है। और आजकल होता क्या है, अभी भी ग्रामीण एरिया मैंने आपको बताया कि कम उम्र में शादी कर देते हैं, तो ये जो आयु है ये इतनी है, लेकिन इसको और भी इंक्रीमेंट करनी चाहिए। परिवार नियोजन के बारे में, यानी कि परिवार का नियोजन मतलब कि जो सिस्टम है, परिवार नियोजन का जो सिस्टम है ये लिमिट होना ही चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि परिवार ज़्यादा बढ़ाया है ना, ठीक है, इसका ज़्यादा नियोजन ना करें, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं प्रमुख सुझाव, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ प्रमुख हैं, ध्यान रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है कि परंपरागत हिंदू विवाह की प्रमुख समस्याएं, और चलिए जानते हैं कौन कौन सी परंपरागत हिंदू विवाह की समस्याएं हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारी विवाह की समस्याएं हैं, जिनमें से पहला यहाँ पर हम बताएंगे कि करके उससे पहले परिभाषा जान लेते हैं। हिंदू विवाह एक और धर्म से तथा दूसरी और जात प्रथा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इससे समाज को कभी कभी अनेक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है, उनमें कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न है, यानी कि हिंदू विवाह एक धर्म ठीक है हिंदू विवाह एक और धर्म से तथा दूसरी और जात प्रथा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, मतलब कि मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी एक कोई लड़की है वो धर्म हिंदू धर्म की, वो अगर मुस्लिम धर्म के लड़के से शादी करती है तो ये बहुत गलत है। दूसरी अगर वो दूसरी जात के मान लीजिए वो ब्राह्मण है, और वो मान लीजिए शूद्र जात की लड़की ब्राह्मण जात का लड़का, या फिर ठीक है या फिर क्षत्रिय जात का लड़का है, या फिर शूद्र जात की कोई लड़की लड़का है, अगर सेम कास्ट में अगर शादी कर ले तो ठीक है, अगर डिफरेंस कास्ट में कर रहे हैं शादी तो वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो कि पहली है बाल विवाह या आयु की समस्या, मतलब कि कम उम्र में शादी कर लेना, ठीक है, और बाल विवाह जिसको बोलते हैं, विधवा विवाह का प्रतिबंध, ठीक है, यानी कि जो विधवा विवाह होता है इसका प्रतिबंध करना चाहिए, और विवाह विच्छेद पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो लोग तलाक ले लेते हैं अलग अलग रहने लगते हैं तो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और अगला है दहेज प्रथा, ठीक है, ये बहुत सा बड़ी समस्या है दहेज प्रथा वाली, ठीक है, यानी कि जो लड़की की जो शादी होती है तो लड़की पक्ष की ओर से लड़के पक्ष को जो दहेज दिया जाता है बहुत सारे, उसमें बाइक हो गई, कार हो गई, ठीक है, गोल्ड की चीज़ हो गई, सिल्वर की चीज़ हो गई, बेड हो गए, अलमारी हो गई, फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, इसी तरह बहुत सारे जो छोटे छोटे ठीक है चीज़ें होती हैं इन सबको दी जाती हैं, और साथ साथ में रुपये पैसा भी दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं खास करके हिंदू विवाह की, जो कि आप लोगों की समस्या उत्पन्न है मतलब कि प्रस्तुत है, ध्यान रखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा पक्का। अगला प्रश्न है कि धर्म का सामाजिक महत्व, ठीक है, तो धर्म का महत्व क्या है समाज में, उसके बारे में जानते हैं। धर्म केवल एक विश्वास नहीं है, बल्कि किसी भी समाज को संगठित बनाने में इसका प्रमुख योगदान होता है, ठीक है, ताकि वो समाज का मतलब कि नियमित रूप से कंटिन्यू रूप से चलता रहे। अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं, तो जो धर्म होता है ये विश्वास नहीं है, ये बल्कि समाज को एक अच्छे तरह चलने का बहुत बड़ा इसमें इसका हाथ होता है धर्म का, और वही बताया जा रहा है किसी भी समाज को संगठित बनाने में या फिर अच्छा बनाने में इसका प्रमुख योगदान होता है धर्म का। व्यक्ति की जिन समस्याओं का समाधान बड़े से बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा नहीं हो सकता, धर्म अपने विश्वासों तथा नैतिक आधारों पर सरलता से समाधान कर देता है, ठीक है। तो जिसमें से पहले नंबर पे है धर्म नैतिक विचारों को प्रोत्साहन देने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का शक्तिशाली माध्यम है। व्यक्तित्व के निर्माण में धर्म का विशेष योगदान है। धर्म भावनात्मक सुरक्षा का आधार है। सामूहिकता में वृद्धि करता है। तो ये प्रमुख कुछ सामाजिक मतलब धर्म के मतलब सामाजिक महत्व हैं कुछ, ठीक है, धर्म के सामाजिक महत्व कुछ हैं, तो ध्यान रखें। कर्तव्य का बोध,
स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको तैयार कर लेना है। उम्मीद पूरी फंसेगा, सामाजिक वर्ग, सामाजिक धर्म, ये सब कॉमन क्वेश्चन हो जो कि फंसते हैं, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको भी तैयार कर लेंगे। बाकी दलित से आप क्या समझते हैं, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दलित के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेंगे। दलित जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा सन 1935 में किया गया है। इन्हें ठीक है स्पर्श जातियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा रही दलित की। बाकी अलग अलग विद्वानों के अनुसार दलित की परिभाषा अलग अलग है आपको, जो कि पढ़ लेना है। और अगला प्रश्न है दलित वर्ग से क्या आशा है, दलित वर्ग के बारे में परिचय दीजिए, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सामाजिक वर्ग से आप क्या समझते हैं, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबसे हम आ गए हैं दलित वर्ग की ओर, दलित वर्ग से क्या आशा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि जो जातियाँ गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं, उन्हीं को हम दलित कहते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि दलित शब्द से हमारा अभिप्राय उन लोगों से है जो ठीक है उच्च जातियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषित होने के कारण, तरह तरह के अभावों के कारण गरीबी के निम्नतम स्तर पर तथा सामाजिक अपमान के साथ उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, और वास्तव में दलित शब्द परंपरागत अछूत शब्द के ही समांतर है। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि जिन व्यक्तियों को हम अनुसूचित जातियां कहते हैं उनमें उन सभी जातियों को सम्मिलित नहीं किया जा गया है जो भारत की जाति संरचना में पद दलित और परिव्यक्त रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक वर्ग के लोग होते हैं या सामाजिक सॉरी दलित वर्ग के जो लोग होते हैं, दलित ठीक है, वो आते हैं जैसे कि नीचे जात वाले लोग। ठीक है, और इनको होता है यह है कि जो थोड़ा मतलब कि जैसे कि जनरल कटघरी के लोग, जैसे कि मान लीजिए कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक है, उच्च जातियों के लोग नीचे जातियों के लोग को सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषित करते हैं, और शोषित करने के कारण ये लोग गरीब रह जाते हैं, और गरीब होने से इनका बहुत बड़ा अपमान होता है और इनको उत्पीड़ना भी होती है, और ये गरीब गरीब रह जाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएँ का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप परिचय लिखेंगे दलित वर्ग के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बार पढ़ लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा, ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भैया दलित के कल्याण हेतु तो सुझाव दीजिए। तो अगर आप दलित से मतलब कि दलित अगर व्यक्ति हैं, अगर आप अच्छे इंसान बनना चाह रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो आपको आरक्षण का विकेंद्रीकरण, शिक्षा का प्रसार, रोजगार और व्यवहारिक बनाना, सफाई के नए उपकरणों का प्रयोग करना, महिलाओं को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण, समुचित आवास की व्यवस्था, अगर ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये सब सिस्टम बनाए जाएंगे, तो जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो दूसरों से सुनते हैं, बातें सुनते हैं, उनकी मार सहते हैं, उनकी ताने सुनते हैं, उनको अपमान किया जाता है, तो उनको क्या होगा अगर आप अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, खुद से कोई काम करने लगेंगे, ठीक है, और आपको जानकारी होगी, आप किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं, ना अगला इंसान आपको कुछ बोल पाएगा, क्योंकि डरेगा कि हाँ भैया ये भी परफेक्ट इंसान है, इसको भी नॉलेज है, ये भी पढ़ा लिखा है, अगर इसको हम कुछ बोलेंगे तो इस हमें उल्टा जवाब देगा और ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ाई भी हो सकती। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको भी अपना हक मिल सके। तो इस प्रकार इसका लिखेंगे परिचय, और बाकी पिछड़े वर्ग के बारे में क्वेश्चन आएगा ओबीसी के बारे में। तो इसी तरह इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंक्लूडेड है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे डाउनलोड करके इसमें देख क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी हमारी डेली क्लासेज आ रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, आपका अपना चैनल सक्सेस हो। मिलते हैं और नए वीडियो में। जय हिंद।